बहुत सारे लोगों का जब बिजली का बिल आता है तो वो उसको पे करने के लिए बिजली घर के या फिर दुकानों के चक्कर काटते हैं। हालांकि आप अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आसानी के साथ कुछ ही सेकेंड्स में अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपना बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप फोन पे में बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं। यहां पर हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। नीचे आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनीज की आपको एक लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी चूज कर लेनी है। जैसे कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप यूपी के किसी गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ रूलर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप यहाँ अर्बन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कंज्यूमर नंबर डाल देना है जो कि बिल के ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, इसके बाद कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपके सामने नेम आ जाएगा किसके नाम से ये बिल है, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। ड्यू डेट भी यहाँ पर शो हो रही है, और नीचे आएंगे यहाँ पर आपको 45 रुपीज का एक कैशबैक भी मिलता है। यहाँ पर आप अपना बैंक चूज करेंगे किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद पे बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी UPI ID डालेंगे और ओके कर देंगे, आपका बिल पे हो जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं आपको कौन सी कंपनी बिजली प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली बिजली प्रोवाइड करती है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे अपना CA नंबर डालना होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये बिजली का बिल है, तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं CA नंबर लिखा हुआ है 15212472, तो ये CA नंबर आपको डालना होगा। CA नंबर डालने के बाद यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा, आपको कितना अमाउंट पे करना है और ड्यू डेट क्या है। नीचे आएंगे, इसमें भी हमें 45 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। यहाँ से हम बैंक चूज कर लेंगे किस बैंक से हम ये बिल पे करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ये वाला बैंक चूज कर लेंगे, पे बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर UPI ID डालेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए बिल पे हो चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑटो पे को इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बिल हर महीने ऑटोमेटिक पे होता रहेगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें कैशबैक मिला है, हम यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक स्क्रैच मिला है, इसको हम स्क्रैच करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर 30 रुपीज मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पेटीएम में बिल कैसे पे कर सकते हैं। पेटीएम को ओपन करेंगे, इसमें आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहां पर सर्च करेंगे। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चूज करना होगा, इसमें यहां पर हम स्टेट चूज कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं तो आप यहां पर उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर बोर्ड चूज कर लेंगे UPPCL। यहाँ पर आप टाइप चूज कर देंगे आप गांव में रहते हैं या शहर में। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप रूलर चूज करेंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट आईडी डालनी होगी, ये अकाउंट आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। पेटीएम में तो कंज्यूमर का पूरा नेम और उसका पूरा एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर अमाउंट है, कितने अमाउंट का ये बिल है, आपको यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। इसमें आपको कैशबैक भी मिलता है, कैशबैक ऑफर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कैशबैक मिलते हैं जो कि बहुत कम है, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़। अगर आपके पास कोई और कोड है तो आप यहाँ प्रोमो कोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कोड डाल देंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, या फिर अगर वॉलेट में आपके बैलेंस है तो आप उसी से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ स्टेट में हम चूज करेंगे दिल्ली। यहाँ हम बोर्ड चूज कर लेंगे कौन सी कंपनी बिजली सप्लाई करती है। यहाँ पर मैं राजधानी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डालना होगा, कंज्यूमर नंबर जैसे कि मैंने आपको दिखाया बिल में यहाँ पर लिखा हुआ होता है CA नंबर। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपके बिल की पूरी डिटेल्स को फेच कर लेगा। बिल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ कैशबैक मिलते हैं, कैशबैक ऑफर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत ही कम कैशबैक है। नीचे आएंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पेटीएम वॉलेट में बैलेंस होता है
तो आप पेटीएम वॉलेट से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड चूज करेंगे, यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे और पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे, आपके पास बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आपका बिल पे हो जाएगा। सो आपने देखा कि बिजली का बिल पे करना कितना ईजी है, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका बिजली का बिल आता है तो आप बिजली घर या दुकानों के चक्कर काटने के बजाय अपने मोबाइल फोन से ही बिजली का बिल पे करिए। इसमें आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको कैशबैक मिलेगा। आप अगर किसी शॉप पर या बिजली घर में जाकर के बिल पे करेंगे तो उसमें आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, जबकि अगर आप ऑनलाइन बिल पे करेंगे तो उसमें आपको कैशबैक भी मिलता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।